बेचारा निकलना पता नहीं क्या रिजल्ट है, तो ऊपर वाले ऊपर आते हैं, किस्मत होती बेचारे ने। ये एक और कई 20-21 सर्विसेज हैं जो हम पूरी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज काफ़ी हद तक जो है आपको डोमिसाइल मिलना है, आपको मैरिज जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। एनक्रोचमेंट ऑफ पॉन्ड्स और स्टेट लैंड, ये हाजी साहब ने शायद बताया, तो पॉन्ड्स के जिन्होंने एनक्रोच किया भाई उसके जो इश्यूज थे सरपंचेस के, वही डिस्कशन हुई, हर सरपंच ने अपनी बात रखी, पंचेस ने रखी, नायब सरपंचेस ने रखी है। ये गवर्नमेंट ऑफ जेके झूठी, ये गुड गवर्नेंस पे एक वीक का मना रही है कि गुड गवर्नेंस, लोगों से ये इनपुट्स ले रही हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो सब ने पोल खोल दी है कि कमी क्या हुआ, क्या और कमी क्या है। पिछले 3 साल से पंचायतें जो हैं अस्तित्व में हैं और डेवलपमेंट ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, उनकी जो प्लानिंग है उसको अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है। जो उन्होंने ग्राम सभाएं की हुई हैं अपने गांव में, हर एक गांव में, वो जो प्लान किया है उस पर गवर्नमेंट नहीं आ रही है। हमारा 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा पेंडिंग है, हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का पेंडिंग है। तो पूछने पे जाएं तो जब द्विवेदी साहब यहाँ पर आए थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि 14th फाइनेंस और 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा जो हमारा पेंडिंग है उसका क्या आप क्यों नहीं दे रहे हो, 19-20 का पैसा है, 20-21 का पैसा है। तो उन्होंने बोला कि जो यूनियन टेरेटरी बना दी जाए, कोई भी स्टेट को यूनियन टेरेटरी बना दिया जाए, यूनियन टेरेटरी में वो फाइनेंस कमीशन का पैसा नहीं लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमसे प्लानिंग करवा ली है, पूरे गांव में हमें बिठा दिया कि ये हमारा ये डेवलपमेंट प्लान है, यहाँ पर कुआं बनना चाहिए, यहाँ पर टक्की बननी चाहिए, यहाँ पे गली बननी चाहिए, यहाँ पे नाली बननी चाहिए। तो अब हमारे सरपंच भाई जो हैं जिन्होंने प्लानिंग की हुई है, वो कहाँ पर जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे, वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। ये था SBM का था, SBM के काफ़ी 2 साल से पैसा कोई नहीं आया, तो कैपेक्स पे था, कैपेक्स का जो अभी टेंडरिंग 70% आपको पता है कट लगने वाला है 31 दिसंबर को, अगर 70% वापस चला जाएगा तो लगेगा क्या, अभी तक तो टेंडर भी नहीं हो सके हैं, तो कहाँ से वो इतना कर पाएंगे। क्या देखते हैं सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, तो आवाम को राहत है ना प्रशासन को करने दे रहे हैं वो, क्योंकि प्रशासन भी उलझाया हुआ है, आवाम भी उलझाई हुई है, स्कीम्स पे स्कीम उनको खुद नहीं पता है कि स्कीमें कौन कौन सी चला दी हमने, ठीक है। इसलिए ये गुमराह करने की राह है, ये गुमराह कर रही है सरकार हर एक क्षेत्र में। किसी भी पंचायत को आप ले लीजिए, चाहे आप DDC चेयरपर्सन से पूछ लीजिए, वाइस चेयरपर्सन से पूछ लीजिए कि उन्होंने अपने गांव में कितना विकास करवाया है। जब वो भाषण देते हैं तो बोलते हैं मोदी साहब 2-2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, करोड़ करोड़ 1.5-1.5 करोड़ रुपया हर एक गाँव को दे रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं, अपने गाँव का विकास बताएँ क्या किया है उन्होंने, एक साल भर में, साल भर की प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लीजिए उनसे, हर एक DDC मेंबर से, मेरी आप सब मीडिया बंधु से गुजारिश है, सबका इंटरव्यू करिए, सबके गांव में जाइए, सबका देखिए कहां पे उनका बोर्ड लगा है, कौन सा काम उन्होंने किया है एक साल में। फेल मानते हैं इस तरह के प्रोग्राम? बिल्कुल जी, बिल्कुल फेल है ये, टोटल फ्रॉड है, फेल है अभी तक। आगे क्या होगा, 2 साल बचे हैं सबके पास, 24 में फिर इलेक्शन है। मैंने इस परसों रिव्यू मीटिंग में भी बोला था कर्नल मान सिंह जी को कि कर्नल मान सिंह जी 2 साल शेष हैं आपके पास भी और हमारे पास भी, करने को बहुत है, किया कुछ नहीं है, झूठी बातों से ये तसल्ली नहीं होगी। आप कई मीटिंग बुलाते हैं अपने ऑफिस में लखनपुर में, हमें 200-200 रुपये टोल दे के जाना पड़ता है, वो तो हम कैसे VIP, हम कैसे DC बना दिए गए हैं, हमें DC साहब का आपने लेटर ऑफ प्रेसिडेंस में जगह दे दी है कि ये DC साहब के अहदे के बराबर होंगे, DIG के अहदे के बराबर होंगे, लेकिन मानता तो हमें कोई भी नहीं है। टोल वाला 80-90 रुपये जो टोल होता है वो धड़ल्ले से ले रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको मतलब ये मालूम है कि सरकार जो है गुड गवर्नेंस जो वीक मना रही है, जैसा कि पहले भी बैक टू विलेज उस तरह से वो बड़े स्तर पे प्रोग्राम्स थे, ये थोड़ा उससे लोअर लेवल पे प्रोग्राम है जिसमें कि सरकारी जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग अहदे पे जो हैं उनको अपने अपने मतलब इलाकों में जाना है, अलॉट भी हुए हैं और ख़ुद से भी जाएँ
और वो वहाँ जाके वहाँ की जो अवाम है, जो लोकल बॉडीज़ हैं और जो समस्याएं हैं लोगों की, वो उनके साथ रूबरू हों और साथ में ये भी बताएं कि गुड गवर्नेंस की दिशा में जो सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं वो किस तरह से लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं और आने वाले टाइम में वो देंगे। दिक्कतें एक तरह की नहीं होती हैं, दिक्कतें अलग अलग तरह की होंगी। तो जो दिक्कतें जो इमीडिएटली जिनका निपटारा हो पाएगा वो हमने मौके पे बोल दिया है। कुछ चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करूँगा, जिन पे थोड़ा सा हमारे लेवल पे नहीं है, जो मतलब कि गवर्नमेंट या पॉलिसी मैटर्स हैं, वो गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी और उनका टाइमली जो है सोल्यूशन जो मतलब जिस लेवल पे होगा वो उसको किया जाएगा। सर जो सर हमारे लेवल पे जो चीज़ें हैं जो मेरे डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हैं उनके ऊपर मैंने जो है वो कार्रवाई अभी स्टार्ट कर दी है, उस पर आपको रिजल्ट दिखेंगे दो चार दिनों में। सरकारी जमीन को लेकर जो लोगों को बहन है थोड़ा सा उसके बारे में? नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ऐसा वैसा है नहीं है, वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से दिखाएंगे। इतना ज़्यादा आप देखेंगे क्वांटम ऑफ लैंड कितनी रिट्रीव हुई है या कितने लोगों को परेशानी हो, आप खुद ही वर्क करेंगे तो आपको अंदाज़ा उसमें फेयर आइडिया हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं उनको हमें फॉलो करना कर्तव्य बनता है।